नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। व्यापक सेक्शन आप लोग के साथ, आइए नजर डालते हैं खास खबरों की। फुलेरा में प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन ने बस की व्यवस्था की। फुलेरा में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने गृह क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रशासन ने अहम भूमिका निभाते हुए इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोडवेज बस की व्यवस्था की। आज सुबह सांबर तहसीलदार हरि सिंह ने बताया कि फुलेरा क्षेत्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने रोडवेज की व्यवस्था की है, जिसमें सांबर, फुलेरा व बेरवालों की ढाणी जोबनेर में फंसे यूपी के प्रवासी मजदूरों को यूपी बॉर्डर तक छोड़ने के लिए जयपुर डिपो की बस की व्यवस्था की गई। वहीं फुलेरा में फंसे करीब 5 प्रवासी मजदूरों की फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर राहुल मित्तल के नेतृत्व में थर्मल स्क्रीनिंग व जांच करने के बाद बस में बैठने की इजाजत दी गई। सरकार के इस कार्य को लेकर क्षेत्र में फंसे यूपी के लोगों में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को इन मजदूरों ने धन्यवाद दिया। वहीं राजधानी जयपुर में अर्चना शर्मा ने जयपुरिया हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर्स का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजधानी जयपुर में जयपुरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सों को धन्यवाद देते हुए अर्चना शर्मा ने कहा, डॉक्टरों ने अपनी पूरी मेहनत से मरीजों का इलाज किया, जिनकी टेस्ट हो गए हैं वह सारे नेगेटिव आए। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री का धन्यवाद देती हूं जो उन्होंने जनरल ओपीडी शुरू की। जयपुरिया हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों और रेजिडेंट्स ने पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता और लगन के साथ कोविड पेशेंट्स का इलाज किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ जितने भी कोविड पेशेंट्स भर्ती थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और जो शेष बचे हुए पेशेंट्स हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी क्रम में राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय का और चिकित्सा मंत्री महोदय का, जिन्होंने जयपुरिया हॉस्पिटल में जनरल ओपीडी की शुरुआत आज से करवा दी है, जिससे अन्य रोगों से पीड़ित जो लोग हैं उनको अब चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिसके कारण मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्र के जो नागरिकगण हैं उन्हें चिकित्सीय सुविधा मिलने में अब सुलभता रहेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और चिकित्सा मंत्री महोदय का मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ इस कदम के लिए। वहीं हिंडौली कस्बे में व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। हिंडौली उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार चौधरी ने जारी किए गए दिशा निर्देशों में बताया कि व्यापारी एवं उपभोक्ताओं के लिए जारी राज्य सरकार के आदेशानुसार बूंदी जिला ग्रीन जोन में होने के कारण उपखंड क्षेत्र हिंडौली में सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोल सकेंगे, लेकिन राज्य सरकार के आदेशानुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी और शाम 7 बजे से पूर्व सभी अपने घर पहुंच जाएं। और उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकानों पर एक रजिस्टर आवश्यक रूप से रखेंगे, जिस पर दुकान पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक ग्राहक का विवरण, नाम, गांव व मोबाइल नंबर सहित उस रजिस्टर में इंद्राज करके, ताकि भविष्य में जब भी कोरोना संदिग्ध की चेन जांचने की आवश्यकता हो तो उस रजिस्टर से जानकारी हासिल की जा सके। दुकानदार स्वयं, स्टाफ एवं ग्राहक को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। दुकानदार के बाहर से प्रवेश करने वाले को यथासंभव सैनिटाइजर का प्रयोग करवाकर प्रवेश देंगे। सभी दुकानदार दुकानों के बाहर अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए एवं एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान पर ना हो। सभी सामाजिक दूरी के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करें। कोई भी व्यापारी अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का सामान, बोर्ड, डिस्प्ले आदि नहीं रखें। साथ ही उन्होंने कहा, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कचरा बाहर रोड पर ना दिखाई दे। साथ ही एसडीएम मुकेश चौधरी ने बताया कि सभी दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर दुकान को सीज भी किया जाएगा।